हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड विनय अगेन। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इकोलॉजी की, प्लांट इकोलॉजी CSIR के लिए। जहाँ तक प्लांट इकोलॉजी की बात है, जितनी बार मैंने पेपर दिया है उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि क्वेश्चंस दो जगह से आते हैं, एक बेसिक लेवल के और एक टॉप लेवल के। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो लेवल है इकोलॉजी में वो नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस जैसे है, कंपटीशंस क्या हुए, स्पीसीज इंटरैक्शन कैसे होता है, पैरासिटिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म ऐसा हुआ, और ग्राफ, ये सब ज़्यादा। और जो हायर लेवल के क्वेश्चंस जो है वो, जैसे सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स हुआ, और शैनन वेरन इंडेक्स, और जो लोटका वोल्टेरा का है, कैरिंग कैपेसिटी, ये सब हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इकोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए CSIR में आपको मैं बोलूँगा कि कोई भी बेसिक बुक, पाथफाइंडर तो आप सभी पढ़ रहे हैं, उसमें सिलेबस बहुत कम है, वो जल्दी से ख़त्म करके नेक्स्ट चीज़ आप इसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी एक बुक है, उसका PDF मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए इसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी। उसमें जितने सारे हैं टॉपिक उसको आप पढ़ लीजिए सारा कुछ। इकोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है। पहली चीज़ तो आपको स्पीसीज लेवल पे सब जानना होता है, और उसका एक हायरार्की आपने पढ़ा होगा, स्पीसीज के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। फिर कम्युनिटी आता है, पॉपुलेशन आता है, स्पीसीज मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी कैसे काम करती है, उसका इंट्रैक्शन कैसे होता है उसके इन्वायरमेंट से, वो हो गया। फिर कम्युनिटी लेवल पे इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट डालती है कम्युनिटी पे। फिर ऐसे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता जो मैं बता रहा हूँ, मीन्स हायरार्की मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर स्पीसीज का पॉपुलेशन आपको पता होगा, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद लैंडस्केप्स के बाद जो भी हो इकोसिस्टम आता है, फिर लास्ट में करके करते बायोम्स आता है, ऐसे सारा। तो आपको हर चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें बेस्ट जो है वो इकोलॉजी की AP उडम की बुक है, वो बहुत अच्छी है, उसमें आपको सब कुछ है, वो बेसिक से लेके हायर लेवल में सब कुछ है। उसका कंटेंट मैंने रखा हुआ था सारा लिख के, वो बहुत अच्छी बुक है, तो उसी से आप पढ़ सकते हैं। AP उडम, पाथ फाइंडर आपके पास, और एक इसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी की बुक है जिसपे एक पैरट का फिगर बना हुआ है, वो बुक बहुत अच्छी है पढ़ने का। बुक आपको बता दिया, सेकेंड थिंग है पढ़ा कैसे जाए। इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कैसे पढ़ा जाए, हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है और बेसिक में जाइए, और जब आप उसको समझ जाएँ फिर बेसिक पढ़िए, फिर आप एडवांस में जाइए, ओके। और इकोलॉजी को लोग हल्का समझते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पर मैक्सिमम जो CSIR के लास्ट पेजेस में क्वेश्चंस आते हैं उसमें इकोलॉजी, एवोल्यूशन ये सारे रहते हैं। लोगों को अभी ये लगता है कि CSIR के पेपर में बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, पर ऐसा है नहीं, उसका भी एक प्रोमिनेंट पार्ट आता है, ओके। सो सब तैयार कीजिए, सिलेबस जो है आपका CSIR का उसको भी साथ रखिए, पे क्वेश्चंस ज़्यादा कीजिए, ओके, थैंक यू।